तो गाइज इंडिया की पहली थार कैरा थार देखने के लिए आप रेडी हो के नहीं मैंने इस थार को पूरा का पूरा चेंज कर दिया है पूरा लिविंग सिस्टम से लेके वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम और अंदर कॉफी टेबल है बढ़िया सा आप उसको वर्किंग टेबल भी यूज़ कर सकते हो इसमें प्रॉपर स्लीपिंग सिस्टम है और इसमें एक किचन भी है थार में भाई जितने लोग बोलते हैं कि स्पेस नहीं है उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो कि भाई स्पेस ही स्पेस है हमारे पास आपने कितना स्पेस देखना है गाड़ी में आपको सारी की सारी गाड़ी का पूरा एक डिटेल रिव्यू मैं लेके आया हूँ आप वीडियो को स्किप मत करना वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है पूरी पूरी वीडियो को देखना लेट्स जंप इन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम और पहला करते हैं सबसे पहले ओपन अपना पिटारा उसमें है किचन तो गाइस सबसे पहले मैंने एक इसको चॉपिंग टेबल बोल सकते हो एक शॉर्ट टेबल बोल सकते हो आप इसको किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो लाइक चॉपिंग या अगर आपने छोटी चीज़ रखनी है मैंने इसको इंडक्शन के लिए बनाया है आप बोलोगे कि गाड़ी में इंडक्शन की पॉसिबिलिटी तो इम्पॉसिबल है तो मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरह से आप इसमें इंडक्शन रन कर सकते हो तो बिकॉइज़ उसके बाद आते हैं अपना जो मेन एक्शन जहाँ होता है दैट इज़ योर किचन किचन उस तरफ से मैं आपको इस तरफ से दिखा रहा हूँ ताकि आप कन्वीनियंटली देख पाओ उसको तो किचन एक ऐसी चीज़ है जिसपे सबसे ज़्यादा एक्शन होता है यूज़ नीड टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल तो मैंने इसको प्रैक्टिकली अच्छा बनाने के लिए क्या किया एक इसमें एक टॉप बनाया है जो कि स्लाइड हो जाता है यू कैन यूज़ इट लाइक हॉटपॉट जो यहाँ पे आप रख सकते हो अपने गर्म बर्तन आप यहाँ रख सकते हो यहाँ पे आपकी गैस है जो कि बहुत इजीली यहाँ पे ब्यूटेन के साथ चलती है आप इसको प्रेस करो और आपकी ब्यूटेन ऑन हो गई नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बता रहा था जो आप ये वाला एरिया है इसमें मैक्सिमम वो चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जैसे आप चाय बना रहे हो या कुकिंग कर रहे हो या आपको छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक आपको जल्दी चाहिए होती हैं वो सारी की सारी इधर हैं और उसके साथ अगर आप देखोगे तो एक छोटा जो ये टेबल ऊपर बनाया है इसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि स्मूथली यहाँ पर आके स्मूथली बंद भी हो जाए ब्लैक कलर के मैंने इसमें हैंडल्स दिए हैं जो कि एलिगेंट लगते हैं क्वाइट मतलब आ, एक फ़ील देते हैं एक अच्छी सी नेचुरल जैसी रॉ सी फील देते हैं तो ये टेबल आपका स्मूथली यहाँ बंद हो गया और ये जो आपकी चीज़ें हैं जो कुकिंग एलिमेंट्स हैं आपके वो आपके इधर आ गए ठीक है और इसके बाद आपका जो ये वाला एरिया है ये कम्प्लीटली आपका अच्छे से ईज़िली बंद भी हो जाता है और इज़िली खुल भी जाता है तो गाइज़ मैं चाहता था कि इस जगह को मैं इतना प्रैक्टिकल बनाऊँ मैंने इस डिज़ाइन को ऑलमोस्ट छः बार चेंज किया है तो जो ये फाइनलाइज हुआ है ये भी अभी रफ स्क्रैच है दिस इज़ नॉट अ फाइनल वर्जन बट हाँ जितने भी थार ओनर्स हैं जिनको ऐसा लगता है कि भाई थार में स्पेस नहीं है बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आप नहीं कर सकते हो तो उस परस्पेक्टिव से ये बहुत ही मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल चीज़ है अमेजिंग चीज़ है अगर आप देखोगे तो आप देखो यहाँ आपको आप कुकिंग आप कर रहे हो आपने कुकिंग करने के लिए अगर आपने यहाँ पे अपना बर्तन को रखा है यहाँ पे और अगर आप स्पाइसिस चाहिए तो आपको स्पाइसिस ढूंढने पड़ते हैं और जब जल्दी होती है आप ट्रैवल कर रहे हो तो यू जस्ट वॉन्ट एवरी थिंग टू इन फ्रंट ऑफ योर आइज़ तो आप देखो कि यहाँ पे स्पाइसेस हैं और आप इसको स्पाइसेस को इसमें स्प्रिंकलर भी दिए हैं तो आप उसको स्प्रिंक कर सकते हो और इस पूरी के पूरी जो किचन को है आप ना किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं उसके बाद सेकेंड ऑप्शन आती है आप बोलते हो कि यार हमें जो नाइफ़ है और जो मेरा कॉफ़ी मग है और जो ऐसी शार्प चीज़ें हैं जैसे नाइफ़ होते हैं और जो भी कुकिंग में इस्तेमाल होते हैं बर्तन कई शार्प भी होते हैं तो उनके लिए मैंने अलग कंपार्टमेंट बनाया है उनको अगर आप देखोगे तो वो आ, एक अलग जगह पे हैं उनके लिए एक अलग ब्लॉक बनाया है और ये थ्री एंड ए हाफ फीट का है ये फ्री हैंड बॉक्स है तो आप इसमें कोई स्लाइडर नहीं है कोई कुछ नहीं है आप इसमें कुछ भी रख सकते हो देखो मैंने ब्यूटेन रखी है दिस इज़ द फर्स्ट हार जिसमें एक तो प्रैक्टिकल किचन सेटअप है लिविंग सेटअप है बैटरी बैकअप है वाटर सिस्टम है कॉफी टेबल है ऑर्गेनाइजर है मतलब इट्स गोइंग टू बी द कंप्लीट पैकेज जितने भी लोग थार रख रहे हैं उनको एक बहुत ही ब्रूटल आइडिया मिलेगा इससे फॉर सोलो जो भी सोलो राइडर हैं उनको बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा कि किस तरह से अपनी गाड़ी को डिज़ाइन कर सकते हैं सो so सोगाइ जो ये वाला एरिया है आपको पता है ये थार से कस्टमाइज़ मिल जाती है आप इसको फिक्स कर सकते हो अगर मैं इस तरफ कुकिंग कर रहा हूँ तो मुझे दूसरी साइड टर्न करना पड़ेगा और मुझे स्पाइसेस को ढूंढना पड़ेगा सारी चीज़ों को दोबारा ढूंढना पड़ेगा एंड आई एम जस्ट शूटिंग फ्रॉम डिफरेंट एंगल तो मैंने ये डिसाइड किया कि जो मेरा जो सेक्शन है ये कॉमन होना चाहिए दोनों साइड तो दिस इज द फर्स्ट किचन दिस इज़ द सेकेंड वन आप इस साइड कुकिंग कर रहे हो आपका ये किचन है आपका ये स्पाइस बॉक्स है आप इसको फ्री हैंड भी यूज़ कर सकते हो बट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने क्या की है कि जस्ट चेक दिस आउट जो आपके स्पाइस बॉक्सेस हैं ये मैग्नेटिक हैं तो आप इसको मैग्नेट की तरह यूज़ कर सकते हो आप ये वाला कंपार्टमेंट बंद करके एक पूरे के पूरे किचन को आप बंद करके आप इंडिपेंडेंटली यहाँ से कुकिंग कर सकते हो इसमें मैग्नेट लगी है नीचे तो आप इसको बढ़िया से यहाँ पे लगा सकते हो इजीली एंड दे आर वेरी पावरफुल काफ़ी अच्छा इसका रिस्पांस है अमेजोन पे अवेलेबल है आई give गिव यू ऑल द लिंक्स तो आप इन स्पेसिफिक चीज़ों को वहाँ से मंगा सकते हैं और आप यहाँ कुकिंग कर रहे हो आपको कोई भी इसको इसको बॉक्स को आपको खोलने की भी जरूरत नहीं अगर आप देखोगे इसमें बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है आप यहाँ पे देखोग कि इसमें स्प्रिंकलर की एक ऑप्शन है तो आप इसको खोलोगे तो एक थोड़ा सा स्प्रिंकल करेगा अगर आप थोड़ा ज़्यादा डालना चाहते हो तो यहाँ पर एक बड़े वाला बॉक्स है तो आपका अगला क्वेश्चन होगा भाई ये सारी चीज़ें तो ठीक है बट वेर इज़ द पेंट्री जहाँ आप सामान स्टोर करोगे वो जगह अभी तो किचन के नज़दीकी ही होनी चाहिए तो ये देखिए अगर आप इसको थर्टी परसेंट खोलते हो वाई एम सेंग थर्टी परसेंट बिकॉज दिस इज़ अ लॉन्ग ड्रॉर जिसमें सारी चीज़ें आती हैं आप इसको मेजरली कुछ चीज़ें यहाँ पर रख के इसको पार्शली यूज़ कर सकते हो बट इफ़ यू जस्ट वॉन्टेड टू यूज़ द फुल स्पेस तो आप देखो कि भाई ये एक मेगा ड्रॉर है इसमें सारी चीज़ें हैं जिसको आप बोलते हो कि हर चीज़ अवेलेबल है इसमें मैं आपको क्लोज़ लुक देता हूँ किचन के एक क्लोज लुक भी ले लो आपको इतना बड़ा किचन किसी भी थार में नहीं मिलेगा आपने आज तक इतना बड़ा किचन मतलब इतना प्रैक्टिकली अगर आप इसको सामने अगर देखोगे या आप इसको एक बार स्टडी करोगे तो आपको समझ आएगा कि ये बहुत ही प्रैक्टिकल है आपको कुकिंग के टाइम कोई भी चीज़ को ढूंढना नहीं है छोटे छोटे बॉक्सेस में अगर आपने उसको मैनेज करके रखा है तो जी अब आते हैं सबसे इम्पॉटेंट चीज़ पे और वो है आपका जो स्लीपिंग अरेंजमेंट है आप जिस तरह की भी गाड़ी डिज़ाइन कर दो अगर आपके पास अच्छा स्लीपिंग सिस्टम नहीं है तो मतलब वो गाड़ी कंप्लीट मानी ही नहीं जाती है तो इसमें भाई मैंने छः फुट छः फुट हाइट वाले बंदे को आराम से सुलाया आप देखोगे कि मैंने इसको इंडियाज़ बिगेस्ट कैंपिंग फेस्ट में आ, इसको फ़ीचर किया तो वहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ आई हुई थी वहाँ पे जो घुमक्कड़ बक्स जो चैनल है अपने भैया का कपिल भैया का उन्होंने तक इसमें लेट के इसको बढ़िया से रिव्यू किया उनके चैनल पे आप ज़रूर देखना इसको पेज़ एक बार ये मैसेव बेड को देखो आप कितना मैसिव है और आप अगर देखोगे कि भाई इसमें पूरा बंदा आराम से सो सकता है और इतना कंफर्टेबल है इसमें थ्री इंच का स्लीप वेल का मैंने मैट्रेस बनवाया है कस्टम और ये जो कारपेट है जो ऊपर बेड शीट है एक एक चीज़ को बड़े टाइम दे के शॉर्ट करके यू you नो know, कलर वाइज एक सेम थीम पे रख के इसको बनाया है। तो आप देखो कि कितनी अमेजिंग लग रहा है ये देखो आप देख रहे होंगे इसमें जगह बहुत कम है इसमें सिर नहीं लगा सकता बंदा वो इसलिए क्योंकि इसमें मैश लगी है बाकी अगर मैं इसमें सिर लगा के बैठना चाहता हूँ तो ये देखो आप पूरा का पूरा मेरी हाइट के अकॉर्डिंग मैंने इसको डिज़ाइन किया है तो सिर पूरा का पूरा ऊपर चला गया देखो आप तो अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से तो भाई हाँ हाँ आप देखो कि क्या शानदार सेटअप है आप दरवाज़ा बंद कर लो आपने इसको बंद कर दिया थोड़ी देर आपने रेस्ट करना है आप मज़े से रेस्ट कर सकते हो दिस इज़ अमेजिंग क्या फील है भाई तो आप देखो कि भाई इसको बाहर बर्फ़ पड़ रही है और तो आप इन्जॉय कर रहे हो नज़ारे को पिलो यहाँ लगाया है मतलब आप देखो कि यहाँ पे मैं सो रहा हूँ और इसके बाद भी अभी जगह है तो आप खुले डुले होके अच्छे से एक बढ़िया स्लीप ले सकते हो कंफर्टेबल है थ्री इंच का मैट्रेस है इसमें लगा हुआ ये जो मैं आपको अब चीज़ दिखाने वाला हूँ ना वो नेक्स्ट लेवल है मतलब ग्लोबली जिसको बहुत ही अमेजिंग रिव्यूज़ मिले हैं ना मैं वो चीज़ आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं आपको थोड़ा उसको अभी एक्सप्लेन करूँगा अगर आपको लगता है कि उसकी फुल रिव्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताना मैं उसकी पूरी कम्प्लीट रिव्यू वीडियो आपको डालूंगा सो गाइज दिस इज़ इको फ्लो डेल्टा टू वन ऑफ़ द बेस्ट सो फार पावर सोल्यूशन जो कि आपको अवेलेबल है मार्केट में और अब इंडिया में भी अवेलेबल है आप इसको ऑर्डर कर सकते हो गाइज़ डेल्टा टू मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये वन किलो वाट का है वन जीरो टू फोर मतलब ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और सबसे अच्छी चीज़ जो स्विचेस दिए हैं इससे आप कुछ भी लाइट अप कर सकते हो आप इसमें इंडक्शन चलाओ इसमें गीज़र चलाओ इसमें हीटर चलाओ जो भी आपको लगता है आप इसमें सब कुछ चला सकते हो सो सोगा इट्स अ कम्प्लीट पावर पैक मतलब इससे ज़्यादा मैंने इससे ज़्यादा अमेजिंग अभी तक मार्केट में कोई चीज़ नहीं देखी जैकरी इसका तो वन टू वन कंपिटेटर है बट उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 500 ही है और इसकी लाइफ साइकिल है 3000। थाउजेंड दैट इज इक्वल टू टेन ईयर्स दस साल तक आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो मैं इसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पाँच दिन से यूज़ कर रहा हूँ एंड वन टच में ये ऑन हो जाता है एंड इफ़ यू सी एट्टी वन परसेंट अभी भी इसमें बैटरी है एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट इज़ कि भाई इसमें यू एस पी है टाइप सी है इसमें आपका पंद्रह सोलह एम पेयर का इसमें आपको पावर कनेक्शन है इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल हैं बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे जानने में कि इसका प्राइस क्या है सो so गाइज़ आ, प्राइस तो सच में इंसेन है इसको मैं ट्रैक कर रहा हूँ पिछले डेढ़ साल से तो ऑलमोस्ट डेढ़ दो साल से वन लैख एटी नाइन थाउजेंड की चल रही थी तो वाइज बहुत से लोग इंटरेस्टेड होंगे ये जानने में कि भाई आपने बैटरी कैसे कहाँ से परचेज़ की ये वैसे मेड इन चाइना है और इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं थी बट एक डेढ़ साल से बट एक डेढ़ साल से मैं इसको ट्रैक डाउन कर रहा हूँ तब ये दो लाख करीब करीब दो लाख की थी ये मेरे बजट से बिल्कुल बाहर थे और मतलब मैं इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता था अभी जैसे ही इसका प्राइस डाउन हुआ और ये इंडिया में भी अवेलेबल है आप इसको बाय कर सकते हो ये सेवेंटी फ़ाइव टू एटी थाउजेंड आपको ऑनलाइन मिल जाएगी इसके लिए मैंने ये गार्ड को स्पेशली डिज़ाइन किया है और मेहनत बहुत लगी है आई होप आपको ये मेहनत पसंद आ रही होगी भाई अगर आ रही है तो इसको आगे से आगे शेयर ज़रूर करना क्योंकि बिना आप लोगों की सपोर्ट के ना गाड़ी चलेगी नहीं तो आप ये देखिए कि इसको प्रॉपरली यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं हम इसमें अभी फ़ोम मैं नहीं लगा रहा हूँ डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप इसको ईज़िली टाई कर सकते हो और ये इस तरफ भी ईजीली टाई हो जाती है ये देखिए आप तो जब भी आप इसमें मार्केट में चल रहे हो ऑन रोड चल रहे हो तो बम्प से बचाने के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा कुशनिंग मैं इसको ऊपर देता हूँ ये जो मैंने फ़ोम कैरी कर रहा हूँ ये वाला फोम बहुत ही अच्छा काम करता है तो इस फोम को इस फोम को मैं इस जगह पे प्लेस करता हूँ और थोड़ा सा फोम यहाँ लगता है सो दैट बैटरी को एक शॉक ना मिले इस अब आते हैं वाटर मैनेजमेंट पे और बहुत से लोग मुझे गु़स्सा करेंगे कि भाई आपने वाटर मैनेजमेंट तो बहुत ही अच्छी जगह चूज़ किया है साथ में आपकी बैटरी है जो कि लगभग एक लाख रुपये की है और उसके साथ आपने पानी रख दिया ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाला काम है बट गाइज मैंने इसको बहुत सोच के प्लेस किया है ये वन ऑफ़ द बेस्ट बेस्ट वाटर सॉल्यूशन अमेजॉन पे मतलब सत्रह अठारह सौ रुपये का आपको मिल जाएगा बारह पंद्रह लीटर की इसकी कैपेसिटी है शायद मेरे वाला बारह लीटर का है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दूँगा आप एक एक को डिटेल चेक कर सकते हो सबसे अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी मैं ढूंढ रहा था वैक्यूमाइज वाटर टैंक तो इसमें क्या है कि एक वैक्यूम लेड लगी है ऊपर तो अगर आप इसमें से पानी निकालते हो अभी देखिए मैंने इसमें से पानी नहीं निकाला है ये पूरा का पूरा वैक्यूम है टाइट है अब अगर आप पानी निकालते हो तो आप देखोगे कि बहुत बहुत एक लिमिटेड सा गिर रहा है क्यों क्योंकि उसमें वैक्यूम है और वो जो थोड़ी बहुत जो पानी गिर रहा है वो हवा यहीं से ले रहा है वापस तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि पानी प्रॉपर्ली आ नहीं पा रहा है बट अगर मैं इसका ये वैक्यूम वाला लीड हटा दूँ तो आप देखोगे पानी का प्रेशर कितना होगा ये देखो पानी ये बिल्कुल भी छलकता नहीं है वैक्यूम इसका इतना परफेक्टली काम करता है कि उसने पूरा का पूरा एक अंदर को दबाव बनाया होता है हवा बाहर जा नहीं सकती पानी बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि जब तक ऊपर की कैप लगी है तब तक पानी और हवा दोनों के दोनों इसमें सिमटे हुए हैं तो वो एक एक इन्वर्स रिएक्शन प्ले करते हैं कि हवा अंदर को खींच रही है पानी बाहर जाना चाह रहा है जब तक हवा अंदर जाएगी नहीं आपका पानी गिर नहीं सकता डिटेल रिव्यू भी करेंगे इसका भी रिव्यू करेंगे एक एक चीज़ जो मैंने आपको दिखाई वो सब चीज़ों का डिटेल रिव्यू भी करेंगे और मैं चाहता हूँ कि आप नीचे जाके कमेंट करो कमेंट सेक्शन में और बताओ कि भाई आपको ये चीज़ अच्छी लग रही है प्रैक्टिकल लग रही है और ये पहली थार आपको इंडिया की कैरा थार फर्स्ट कैरा थार आपको कैसी लग रही है अगर इसके बाद हम बात करें तो ये एक जो मैश आप देख रहे हो ये अच्छी खासी है नो लोड ले सकती है 200-300 किलो में मैंने देखा कि इसमें हमने काफ़ी लोड मतलब चार पांच बैग डाले तो कम से कम 100 से 150 किलो हमने इसमें आराम से लोड किया इसमें हैवी इक्विपमेंट्स भी हमने डाले तो इस मैश को कुछ नहीं हुआ इसके बाद इसकी जो बेस्ट चीज़ है जो इसमें ऑर्गेनाइज़र लगाए आप इसमें कुछ भी रख सकते हो इसमें आपने बर्तन रखे हैं आपने इसमें अपने कपड़े कैरी कर सकते हो आपको एडिशनल बैग नहीं ले जाना पड़ेगा और इसमें अपने लाइट्स रखी हैं और ये बड़ी पॉकेट है काफ़ी और इसका साइज़ भी अच्छा खासा मैसेव है तो इसको मैंने रोल केज में रोल केज में लगाया ऊपर मैंने ब्लाइंड्स रखे हैं इन ब्लाइंड्स का भी कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इसको आप अच्छे से आप इसमें रख सकते हो यहाँ पे पिलो भी आ जाता है बड़े आराम से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पिलो भी इसमें बड़े इजीली फ़िट हो जाता है पिलो भी इसमें बहुत इजीली फ़िट हो जाता है आप ये देखोगे कि आपका पिल्लो अच्छे से यहाँ आ गया अब आप देखो कि कितना कॉम्पैक्ट है ये डिज़ाइन और इसके जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊँ तो ये थार में ना बहुत ही एक अच्छा नीट और क्लीन सेटअप मेंटेन करने के लिए ये ऑर्गेनाइज़र का बहुत ही अच्छा काम करती है आपके सेटअप में कोई भी चीज़ मैस नहीं हो रही है आपकी बैटरी अपनी जगह पे वाटर सिस्टम आपकी जगह पे आपके किचन एकदम प्रॉपर मैनेज्ड है आपका स्लीपिंग सिस्टम मैनेज है और अंदर जो मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं अमेजिंग वो है यहाँ का कॉफ़ी टेबल तो भाई ये कॉफ़ी टेबल आपको देखना बनता है तो भाई अगर आप अंदर देख रहे हो तो आपको देखने को मिलेगा भाई एक अमेजिंग वर्क स्टेशन जो कि प्रैक्टिकली वर्क स्टेशन है बढ़िया कॉफ़ी टेबल है अगर आप इसको देखो आपने यहाँ पे लैपटॉप रखा है अच्छे से एडिट कर सकते हो आपके पास लैम्प के लिए जगह है आपका बैटरी बैकअप भी एकदम पास में ही है आप सारी चीज़ें एक्सेस है और ये जो ड्रॉर है भाई ये प्रैक्टिकल है अगर आप इसको किसी भी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपने करना हो मैंने इसमें अपने गैजेट्स रखे हैं तो गाइज़ अगर आप ये देखते हो यहाँ पे अपना प्रॉपर कॉफी टेबल है इसमें एक प्रॉपर अरेंजमेंट है इसमें आप कोई भी एक्सेसरीज़ रख सकते हो आपके पास अच्छी खासी जगह है आप देख रहे हो कि मैकबुक 16 इंचेस है ये उसके हिसाब से आप देखते हो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस है आप इसको कुकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो आप इसमें कोई सामान भी रख सकते हो मैं इसमें बैग भी रख देता हूँ तो काफ़ी मेरे को ये हेल्पफुल लगा आप बोलते हो कि भाई ऊपर मैश रखी है तो क्या आप इसमें सीधे बैठ सकते हो डेफ़िनेटली मैं इस मैश को हटा देता हूँ जो मैंने शॉर्ट ट्रेवल्स करने होते हैं तो गाइज़ बहुत से लोग मुझसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेंगे कि भाई आ, आपने सोलो के लिए बता दिया बट सोलो के लिए भी बहुत सारा सामान लगता है आप टेंट लेके चल रहे हो आप बेड लेके चल रहे हो आप खाने का चीज़ लेके चल रहे हो फूड सिस्टम लेके चल रहे हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको ड्यूरिंग योर ट्रैवल आपको नेसेसरी होती है मतलब आपको नेसेसिटी है आप उनको छोड़ नहीं सकते हो चाहे आपके गाड़ी में जगह है या नहीं है तो वैसे एक क्वेश्चन का आंसर है ये वाला बॉक्स जो कि मैंने अरेंज किया है यहाँ पर इसमें एक छोटी सी ट्रे लगाई है इफ़ यू जस्ट वॉन्टेड टू वर्क तो आप इसको एज अ माउस पैड आप इसको एक छोटा टेबल या आप इसमें कॉफ़ी टेबल आप इसको किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हो और इसकी बेस्ट इस बॉक्स की बेस्ट खासियत ये है कि ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये दो ढाई सौ लीटर का है मीट लीटर्स में मुझे आइडिया नहीं बट समीज़ सेट कि भाई ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दो ढाई सौ लीटर का लग रहा है तो इसकी बेस्ट चीज़ क्या है कि इसका जो इसका जो साइज़ है जो इसमें एक तरह का ऑर्गेनाइज़र का ये काम करता है तो आप देखो ये इस तरह से खुल जाता है और इसमें सारी चीज़ें हैं मैं आपको दिखाता हूँ तो अगर आप देखोगे इसमें कपड़े भी हैं इसमें सिलेंडर है इसमें गैस स्टोव है और आगे कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि हिडन रहती हैं लेफ़्ट वाली साइड ताकि गाड़ी एकदम क्लीन लुक में रहे मैं आपको दिखाता तो हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें हैं अंदर भी मेस होगा सॉरी तो ये देखिए आपकी इसमें जैकेट आ गई ठीक है आप स्टोव रहता है आपके पास इसमें सिलेंडर भी है फ़ाइव के जी का और छोटी छोटी चीज़ें हैं गाड़ियों की अगर आप देख रहे हो बहुत सारी चीज़ें इसमें ना मैनेज हो गई हैं सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आपको पहली इंडिया की कैरा थार पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और इसमें कोई भी आपकी राय है तो आप ओपन फॉर सजेशन आप बता सकते हो कि कोई चेंज आपको लगता है या आपको कोई अच्छी बात लगती है तो प्लीज़ कमेंट में जाकर स्पेशली ज़रूर बताना और सोल ट्रेल ज़ीरो सेवन डबल जीरो को टैग ज़रूर करना भाई कहीं भी आप इसकी रील डालते हो पोस्ट डालते हो और मेरे इंस्टाग्राम मेरे इंस्टा हैंडल को कैंपिंग विथ थार को भी फॉलो करना सोल ट्रेल एस ओ यू एल टी आर ए आई एल एस सोल ट्रेल जीरो सेवन डबल ज़ीरो और भाई जितने भी थार ओनर हैं एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में आ जाओ और बताओ कि भाई आपको ये स्पेस मैनेजमेंट कैसा लगा अगर आप सिंगल ट्रैवलर हो ये मैंने स्पेशली डिजाइन की है गाड़ी सोलो ट्रैवलर्स के लिए अगर आप सोलो ट्रैवलर हो तो भाई इससे बेस्ट चीज़ आपके लिए इससे बेस्ट आइडिया आपके लिए हो ही नहीं सकता है मार्केट में क्योंकि ये पहली थार है अगर आपको कोई सजेशन देना हो आई एम ओपन फॉर सजेशन आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक ए गुड बाय एंड फ्ल